हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैट एरो। आई होप आप सभी अच्छे और पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है मैसेजेस के लिए आज के दिन, इनकी तरफ से मैसेजेस क्या है आपके लिए जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिए, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हुए पॉजिटिव नोट कि आज उनकी तरफ से क्या मैसेजेस है। अगर सिचुएशन नो कॉन्टैक्ट है, ब्लॉक है या फिर दिल की बात नहीं कर रहे, तो देखते हैं आज मैसेजेस के थ्रू कहना क्या चाहते हैं आपसे। ट्विन फ्लेम इज नियर, यू आर वर्दी ऑफ लव, पे अटेंशन टू द साइंस, फॉरगिवनेस, थैंक यू, व्हाट एवर देखे, थैंक यू। इस एनर्जी में ऐसा लग रहा ना कि ये पर्सन को आपके प्यार का, आपका एहसास बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आप ही प्यार के काबिल हो, आप ही उनके लिए प्यार हो, वो सारी ये मतलब एक एनर्जी है ना, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, सोल कनेक्शन डीप है, बहुत ज़्यादा डीप, जहाँ पे इस इंसान को ना जैसे एहसास हो रहा हो कि आप ही उनके लिए बने हो, आप ही उनके लिए खास हो, और यू आर वर्दी ऑफ लव। आप उनके लिए जैसे भी हो, आप उनके लिए एकदम परफेक्ट हो। आपका छोड़ के जाना या आपका एनर्जी ना देना, या आप छोड़ के जाओगे या आपको इन्होंने छोड़ा है कोई भी रीज़न से, अपने रीज़न से, उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है और गलती का एहसास हो रहा है। फॉरगिवनेस की एनर्जी है कि जैसे ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, और ये आपको कोई साइन एंड सिम्टम दे रहे हैं, स्पेशली टेलीपैथिक कम्युनिकेशन के थ्रू, ड्रीम्स के थ्रू, एनर्जी के थ्रू कहीं ना कहीं एहसास दिला रहे हैं कि ये आपके आसपास है, क्योंकि ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। ट्विन फ्लेम इज़ नियर वाली एनर्जी है कि ये इंसान कोई तो साइन एंड सिम्टम, जैसे इनका नाम दिखना हो या फिर इनके जैसा पर्सन दिखना हो, या ऐसा कुछ तो ऐसा जहाँ पर आपको फील हो रहा है कि ये इंसान कहीं आसपास ही है, एकदम आपके आसपास है। तो इन्हें आपके प्यार का एहसास बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और ये इंसान आपके होने का, आपके प्यार करने का जैसे थैंक यू बोल रहा हो, इन्हें बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि जैसे आपका होना बहुत मायने रखता है, आपका प्यार बहुत मायने रखता है, और आप जैसा पर्सन मिलना बहुत ही मुश्किल है, और ये आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं और आपको जैसे थैंक यू बोलना चाहते हैं। ये थैंक यू सामने नहीं बोल रहे, ये थैंक यू, ये जो सॉरी है सामने नहीं बोल रहे हैं, ये थैंक यू और ये सारी चीज़ें मन में हो रही है और दिल से हो रही है, या फिर किसी ईश्वर के सामने हो रही है, जो भी ईश्वर में आप मानते हैं या वो मानते हैं उनमें, उनके सामने हो रही है। ये काफ़ी ज़्यादा एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील हो रहा है, और इसमें मैसेजेस के थ्रू काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रांग एनर्जी फील हो रही है। आई अप्रिशिएट द लेसन्स यू टॉट मी, आपने उन्हें जो लेसन सिखाया, लिटरली उन्हें समझ में आ रहा है कि आखिर ये सब आपने क्यों कहा था। आई होप आई हैव लॉस्ट यू, इन्हें ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, डर सा लगा है कि कहीं आपको खो तो नहीं दिया, अपनी ज़िंदगी के सच्चे प्यार को उन्होंने खो तो नहीं दिया। यू मेक मी फील थिंग्स आई हैव नेवर फेल्ट बिफोर, आप ही ने उनको प्यार का एहसास दिया, आपकी तरफ से जो एनर्जी थी, आपका प्यार करना, आपका अटेंशन देना, आपका गिफ्ट देना, आपके आप उनको स्पेशल फील करवाना, इतना स्पेशल था कि यू नो उनको ऐसा लगा कि ये सारी चीज़ें कभी उन्होंने फील ही नहीं की थी, एक्सपीरियंस नहीं की थी। आई ऑलवेज न्यू यू माई अदर हाफ, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, और यहाँ पर ऐसा फील हो रहा ना कि इनकी सोल को तो पता है कि आप उनके अदर हाफ हो। आई नीड योर टाइम एंड कमिटमेंट, इन्हें थोड़ा वक्त और थोड़ी कमिटमेंट चाहिए आपकी तरफ से, कमिट इस चीज़ की, जैसे आप इनका इंतज़ार कर रहे हो, आप इनके लिए रुके हुए हो, या आप उनको अभी भी चाहते हो, ये साइन एंड सिम्टम उन्हें भी चाहिए। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट, इन्हें अपनी गलती का एहसास तो है, अभी ये चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, इच्छा तो है। नथिंग एल्स मैटर्स बट यू, अभी कोई और नहीं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। प्लीज़ डोंट मॉन,
इन्होंने कोई ना सपना देखा है या कुछ तो एनर्जी वाइज फील करे है जैसे, या फिर आपके प्यार का एहसास या आपको खोने का एहसास जैसे ना बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि जैसे आप मौन मत करो, ये कहना चाहते हैं। आई वॉज थिंकिंग ऑफ यू लास्ट नाइट, लास्ट नाइट ये आप ही के बारे में सोच रहे थे। आई वॉन्ट यू हियर नेक्स्ट टू मी, अभी इस वक्त आप उनके सामने हो, आप उनके पास हो, ये सारी चीज़ सोच रहे हैं। बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी ना कि जैसे ट्विन फ्लेम इज नियर, आसपास होने का दोनों को भी एहसास हो रहा है कि आप एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। बहुत डिफरेंट एंड डीप कनेक्शन है आप लोग का, एंड सो बस सम एक्शंस। इन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है, जो उन्होंने किया वो नहीं करना चाहिए था, ऐसा एहसास हो रहा है, ऐसा एहसास हो रहा है। तो ये थे बहुत ज़्यादा खूबसूरत और डीप मैसेजेस उनकी तरफ से, और जहाँ पे उनको आपके आपसे प्यार करते हैं और ख़ास करके आपके ट्विन फ्लेम होने का एहसास हो रहा है, वर्ड टू वर्ड नहीं पता हो बट कहीं ना कहीं कोई इंसान बहुत ज़्यादा स्पेशल है उनके लिए ये फील हो रहा है। तो ये मैसेज स्पेशल हो सकते हैं किसी के लिए, तो क्योंकि ये जनरल है, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है कि ना स्पेशल लोगों को ही मैच करे। स्पेशल इन द सेंस कि कुछ खास लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा एक पर्टिकुलर एनर्जी निकल के आती है, स्पेशल मैसेजेस होते हैं उनके लिए, तो वो हो सकते हैं। तो ये थे मैसेजेस उनकी तरफ से, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।